Good morning, friends and students. Now, as per the request of some students and the comments, I am here with the product concept. And this product concept will let you know that how does a marketer or a businessman focuses on the products which he is going to sell. And now the product is very much important from the point of view of marketing also, because it is the core or the center of any activity or any strategy which is to be prepared by any organization. So today we'll look into what are the product and its concepts and related features and categories with it. Now move on with the topic. Yes, what is a product? A product is something which is manufactured for sale in the market. हम किसी भी चीज को बेचने के लिए मार्केट में बनाते हैं एंड दोस प्रोडक्ट मस्ट मीट द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. ये टैंजिबल भी हो सकते हैं, इनटैंजिबल भी हो सकते हैं. यानी हम जो भी बना रहे हैं दे शुड बी कस्टमर सेंट्रिक. आज की डेट में हम जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे वो कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए. टैंजिबल है तो गुड, इनटैंजिबल है तो सर्विस. सो ऑल द कैटेगरीज विल कम अंडर प्रोडक्ट्स. किसमें आएगा वो? प्रोडक्ट्स में आएगा. तो प्रोडक्ट्स क्या हो गए? एनीथिंग विच इज मैन्युफैक्चर्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. इट कैन बी अ गुड और अ सर्विस, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट. अगर मैं ये कहूँ कि एक बैंक के प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो नेचुरली सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स, लोन्स एंड ऑल, दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ अ बैंक. सो वो भी हमारे लिए प्रोडक्ट्स हैं, बट दे आर सर्विसेज, दे आर नॉट टैंजिबल. सो हियर कम द प्रोडक्ट. अब देखते हैं प्रोडक्ट्स में और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं. सो वी हैव टू बेसिक टाइप्स इन विच द प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड. फर्स्ट द कंज्यूमर गुड्स. पहला क्या है हमारा? कंज्यूमर गुड्स एंड द इंडस्ट्रियल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स में भी देयर आर सम कैटेगरीज. कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स एंड अनसॉर्ट गुड्स. कन्वीनियंस गुड्स कौन से हैं? जो कि हम रेगुलरली खरीद रहे हैं. टूथपेस्ट खरीदने जा रहे हैं, हैंड वॉश खरीदने जा रहे हैं, बिस्किट खरीदने जा रहे हैं, दे आर कन्वीनियंस गुड्स. देन कम टू द शॉपिंग गुड्स. शॉपिंग गुड्स कौन से हैं? मान लीजिए कि हम टेलीविजन खरीदने जा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहे हैं, फ्रिज खरीदने जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? दे आर शॉपिंग गुड्स. उन्हें हम शॉपिंग गुड्स कहते हैं. इनके लिए हमें थोड़ी कंपैरेटिव स्टडी की ज़रूरत होती है. वी नीड अ कंपैरेटिव स्टडी फॉर इट. देन स्पेशलिटी गुड्स. स्पेशलिटी गुड्स कौन से हो गए? दे आर समहाउ एक्सपेंसिव गुड्स. इनको हम एक्सपेंसिव गुड्स कहते हैं. यानी अगर मैं कहूँ कि एक्सपेंसिव गुड्स में, सपोज आई वॉन्ट टू बाय अ वॉच ऑफ रोलेक्स, मैं रोलेक्स की एक वॉच खरीदना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू परचेज फिरारी, मैं फिरारी खरीदना चाहता हूँ. तो दीज आर स्पेशलिटी गुड्स. दे आर हाईली एक्सपेंसिव एंड दे नीड अ प्रॉपर स्टडी एंड दे आर नॉट फ्रीक्वेंटली परचेज बाई एवरी वन. तो वो क्या कहलाएंगे हमारे? स्पेशलिटी गुड्स कहलाएंगे. अनसॉर्ट गुड्स क्या होते हैं? दे आर वेरी लेस फ्रीक्वेंटली परचेज, बहुत ही रेयरली इनको खरीदा जाता है. जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो ये कहे कि मैं आई एम अ टेनिस प्लेयर एंड आई वॉन्ट टू इंश्योर माई राइट हैंड, जिससे कि वो टेनिस खेलता है, तो वो क्या कहलाएगा? अनसॉर्ट गुड कहलाएगा, क्योंकि बहुत रेयरली खरीदा जाता है. कोई आदमी चाहता है कि मेरा बरियल इंश्योरेंस हो, इफ आई विल डाई देन दोज एक्सपेंसिस शुड बी मेट बाय द कंपनी आफ्टर हिज डाइंग. दो क्रीमेशन एक्सपेंसिस हैं, उनको अगर मीट आउट किया जाए तो वो अनसॉर्ट गुड्स में आते हैं एंड दे आर वेरी रेयर. नाउ कम टू द इंडस्ट्रियल गुड्स. इंडस्ट्रियल गुड्स क्या हैं? रॉ मटेरियल्स. आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ शर्ट, सो आई नीड अ फैब्रिक, दैट विल बी रॉ मटेरियल फॉर मी. फैब्रिकेटिंग पार्ट्स एंड मटेरियल्स. फैब्रिकेटिंग एंड पार्ट्स एंड मटेरियल्स कई बार होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स की जरूरत होती है. सपोज आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ कार, तो आई विल बी बाइंग सपोज टायर्स, आई विल बी बाइंग रेडिएटर्स. मैं वहाँ पर चीज़ें इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मुझे फैब्रिकेटिंग पार्ट्स और मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी. देन कम्स द इंस्टॉलेशंस. इंस्टॉलेशंस क्या हैं? इंस्टॉलेशंस आर मशीनरीज बेसिकली. इफ़ आई वॉन्ट टू मैनुफैक्चर समथिंग, मेरे पास कुछ मशीनरीज होनी होंगी. देन एसेसरीज इक्विपमेंट्स क्या हो गए? अगर मुझे फैक्ट्री रन करनी है तो आई नीड अ जनरेटर, आई नीड सम मशीन्स विच विल प्रोवाइड, विच कैन स्टार्ट माई मैनुफैक्चरिंग.
ठीक है, जो ट्रिगर करने के लिए यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो गई आपको, जनरेटर्स की ज़रूरत हो गई आपको, तो दे आर कॉल्ड एज एसेसरी इक्विपमेंट्स। देन ऑपरेटिंग सप्लाइज, दीज ऑपरेटिंग सप्लाइज क्या होती है, दे आर बेसिकली कंज्यूमेबल्स। ये कंज्यूमेबल्स हैं। सपोज आई एम हैविंग अ फैक्ट्री, तो मुझे वहाँ पे ऑयल की ज़रूरत भी पड़ेगी, मुझे वहाँ पर कह लो ल्यूब्रिकेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे वहाँ पर कुछ स्पेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो बहुत ही माइन्यूट से हैं, बट दे आर फ्रीक्वेंटली यूज इन द प्रोडक्शन। तो ये क्या है, दीज आर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सप्लाइज। तो ये हमारे दो बेसिक टाइप्स हैं, कौन से हो गए, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल, ये हमारे दो बेसिक टाइप्स हो गए। नाउ अब और ज़्यादा डिटेल में इनको जानने के लिए वी शुड गो इन फर्दर कि हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को समझते हैं, व्हाट आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इनकी कैटेगरीज कैसे हैं, जो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ रखी हैं उन्हीं को हम यहाँ पे और ज़्यादा स्क्रीन करेंगे कि हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड और हाउ दे आर मार्केटेड। सबसे पहले देखते हैं इंस्टॉलेशंस। इंस्टॉलेशंस हमने क्या बताया था, दे आर मशीन्स, ये मशीनरीज हैं जो कि किसी भी फैक्ट्री में इंस्टॉल करी जाती हैं। तो परचेज डिसीजन इसका कैसे करा जाएगा, कैसे इसको खरीदने के बारे में सोचेंगे, देयर विल बी अ नंबर ऑफ टीम और अ कमेटी और एडमिन डिपार्टमेंट विल डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ मशीनरीज टू बी परचेज्ड। प्राइस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट बट एज पर द नीड इट हैज टू बी कंसिडर्ड। यहाँ पे क्या होता है, पर्सनल सेलिंग करनी पड़ती है ऐसे प्रोडक्ट्स की हमको, क्योंकि हर इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। एसेसरीज, इसको भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज आई वॉन्ट टू प्लांट अ जनरेटर, आई वॉन्ट टू इंस्टॉल अ जनरेटर इन माई फैक्ट्री, सो आई नीड टू नो द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द लोड विच इज टू बी देयर। तो अगर हमें ये जानना है कि कितने बड़े जनरेटर की हमें ज़रूरत है, तो इसके लिए भी देयर विल बी सम फ्यू मेंबर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट हु विल डिसाइड दैट दिस काइंड ऑफ जनरेटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फैक्ट्री। या फिर हमें वेस्ट डिस्पोजल प्लांट लगाना है, तो दैट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द प्रोडक्शन हाउस। प्राइस विल बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे यूज टू इंक्रीज द कॉस्ट, एंड दीज थिंग्स कैन बी परचेज्ड और सोल्ड थ्रू एडवर्टाइजिंग। इनको हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू बेच सकते हैं बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है एज पर द इंडस्ट्रीज। नाउ कम टू द कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स। अब ये कंपोनेंट्स और पार्ट्स क्या हैं, दीज आर द ऑपरेशनल सप्लाइज। यहाँ पे क्या होता है, ये ऑपरेशनल सप्लाइज कंपोनेंट और पार्ट्स क्या होते हैं। सपोज मैं एक मारुति की बात करता हूँ, आई टॉक अबाउट मारुति। अब मारुति को क्या होगा, बहुत सारे स्पेयर्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो मैन्युफैक्चर बहुत कम चीज़ें, रेयरली कुछ करता है, बाकी सारी चीज़ें वो असेंबल करता है, इट इज़ अ असेंबलिंग प्लांट। तो वहाँ पर वो क्या करेगा, कंपोनेंट्स खरीदेगा, रेडिएटर्स बाय करेगा, इंजन्स बाय करेगा, टायर बाय करेगा, ब्रेक शूज बाय करेगा, तो उन सारी चीज़ों से वो बनाएगा। तो दिस डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय अ टीम और अ डिपार्टमेंट, दे कैन बी सेवरल मेंबर्स। प्राइस विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर इट। पर्सनल सेलिंग इज रिक्वायर्ड, क्यों, क्योंकि हम हर इंडस्ट्री की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट है। नाउ कम टू द रॉ मटेरियल्स। यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटीज अवेलेबल हैं, बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल हैं मार्केट में, सो वी नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल विल सूट बेस्ट टू आर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। प्राइस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बल्क में खरीदा जाता है। आई एम सर्कलिंग इट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट और सबसे ज्यादा बल्क परचेज हमारे रॉ मटेरियल्स का होता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स पर्सनल सेलिंग, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री द थिंग्स विल बी परचेस्ड। सप्लाइज, दे आर कंज्यूमेबल्स, ये कंज्यूमेबल्स हैं। इनको क्या होता है, वी कैन बाय इट फ्रॉम डिफरेंट बायर्स, डिफरेंट बायर्स से लोग खरीदते हैं इनको। प्राइस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन का पार्ट बनते हैं। दे कैन बी परचेज्ड वाया एडवर्टाइजिंग बिकॉज दे आर यूज्ड इन नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, तो हम इनको अलग अलग एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कोटेशंस के थ्रू मंगा सकते हैं। तो कंपनी हैज़ टू प्रमोट देम थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स और थ्री मीन्स, दीज मीन्स। बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज में वी कांट बी वेरी स्पेसिफिक बिकॉज दे वेरी विद द पीपल। भाई किसी ऑफिस को टेलीफोन की ज़रूरत है तो दे विल बाय इट एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ कॉल्स। किसी फैक्ट्री में हॉस्पिटैलिटी की ज़रूरत है, हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो दे विल बाय इट
ऑन देयर ओन. तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर हमें प्रमोट करना है, इफ आई एम हैविंग दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, सो द प्राइस विल वेरी एज पर द कंजम्पशन और द यूजेज. प्रमोशन कैन बी थ्रू एडवर्टीजमेंट ऑल्सो एंड पर्सनल सेलिंग ऑल्सो बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स विल चेंज. सम कुछ इंडस्ट्रीज में, मान लीजिए मैं हॉस्पिटल्स में सप्लाई कर रहा हूँ आपके सैनिटेशन प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पर क्या होगा, विल दे कैन बाई इट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट ऑल्सो. बट इफ़ आई एम पुटिंग समथिंग टू अ मैनुफैक्चरर जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हैजार्डस केमिकल्स यूज हो रहे हैं, तो मे बी द प्रोडक्ट वेरिएशन विल बी देयर. तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू पुट सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट इंटेंसिटीज एंड फीचर्स. सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच वी वर स्टडींग एंड देयर वर सम फीचर्स एसोसिएटेड विद देम. अब इन प्रोडक्ट्स के साथ कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो गए, इंस्टॉलेशंस, एसेसरी इक्विपमेंट्स, कॉम्पोनेंट्स एंड पार्ट्स, रॉ मटेरियल, सप्लाईज. नाउ कम टू द नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. अब देखते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं, वॉट आर द थिंग्स प्रेजेंट इन द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स थे, देर वेर कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एंड अनसॉल्ड प्रोडक्ट्स. अब ये प्रोडक्ट्स क्या हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में एज वी हैव डिस्कस्ड, सपोज आई एम बाइंग टूथपेस्ट, केक, हैंड वॉश, एटीएम विड्रॉवल्स करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि बहुत फ्रीक्वेंट है, रेगुलरली कर रहे हैं हम इनको, तो दे आर कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स. दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ये बहुत महंगे नहीं होते हैं, इनको बहुत महंगा नहीं बेचा जा सकता बिकॉज दे आर रेगुलरली कंज्यूम्ड, तो हम इनको बहुत महंगा नहीं बेच सकते हैं. तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट शुड नॉट बी हैविंग वेरी हाई कॉस्ट बिकॉज दे आर कंज्यूम रेगुलरली. इससे हमारा फैमिली बजट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. द कंज्यूमर मे स्विच टू सम अदर प्रोडक्ट. व्हाट विल हैपन, कंज्यूमर मे स्विच टू सम अदर प्रोडक्ट. नाउ द कम द प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये लगभग आपके हर आउटलेट्स में बेचा जाता है. आप किसी भी जनरल स्टोर पे जाओगे, जनरल मर्चेंट की शॉप पे जाओगे या जनरल बैंकिंग सर्विसेज में जाओगे, तो यू विल गेट दीज फैसिलिटी. यहाँ पर लोगों को प्राइसेस के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है, इसलिए हमें उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी क्वालिटी, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना होगा व्हेन वी आर गोइंग टू द प्रमोशंस. अब अगर ब्रांड लॉयल्टी की बात करें तो ब्रांड लॉयल्टी में क्या होगा, अवेयरनेस ऑफ ब्रांड विल एक्सेप्ट सब्सटीट्यूट्स. अगर आपने अच्छी तरीके से अपने ब्रांड प्रमोशंस को नहीं किया इन केसेस में, तो कंज्यूमर विल स्विच टू सम अदर प्रोडक्ट. द कंज्यूमर विल स्विच टू सम अदर प्रोडक्ट, वो किसी और प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएगा. तो यू हैव टू कीप ऑन पुटिंग योर ब्रांड इन पोजिशन, योर ब्रांड इन देयर माइंड. आपको अपने ब्रांड को उनके माइंड में पोजिशन करना पड़ेगा. वेरी फ्रीक्वेंटली दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन. परचेज बिहेवियर कैसा होता है कंज्यूमर का, बहुत कम समय खर्च करना चाहता है कंज्यूमर, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करना चाहता है. तो हमारे जो भी प्रमोशंस होंगे, जो भी हमारे प्लेसमेंट्स होंगे, दे शुड बी वेरी क्लियर ताकि कंज्यूमर उन्हें आसानी से पिक कर सके. नाउ कम टू द शॉपिंग प्रोडक्ट्स. अगर शॉपिंग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, अगर मुझे कैमरा खरीदना है देन आई विल गो फॉर शॉपिंग, मुझे टेलीविजन खरीदना है, मुझे किसी कह लीजिए मैं वैकेशन पे जाना चाहता हूँ, तो दीज थिंग्स आर फेयरली एक्सपेंसिव. ये क्या होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं. इनके जो आउटलेट्स हैं दे आर गुड इन नंबर्स बट दे आर वेरी सिलेक्टिव. हम लोग क्या कहते हैं कि अगर बुकिंग करानी है तो केवल उसी से कराओ, वी डोंट गो फॉर एनी अदर सर्विस प्रोवाइडर. हमने कहा कि गो आईबीबो से करा लो, या अगर टेलीविजन खरीदनी है तो एलजी की खरीद लो. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड. कैमरा खरीदना है तो निकॉन का खरीद लो. सो वी यूज टू प्लेस सम स्पेसिफिक थिंग्स. यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं बट पीपल आर स्पेसिफिक विद द ब्रांड्स क्योंकि दे आर इन्वेस्टिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. प्रमोशंस बहुत अच्छे होने चाहिए बिकॉज यू हैव टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स. हमें अपने कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंट अपने आप को शो करना पड़ेगा बिकॉज आई एम ऑल्सो सेलिंग अ रेफ्रिजरेटर एंड द अदर पर्सन इज ऑल्सो सेलिंग अ रेफ्रिजरेटर. सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट, थ्रू कम्युनिकेशन एंड परसुएशंस वी कैन डू इट. ब्रांड लॉयलिटी ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ शॉपिंग्स. अब यहाँ पे क्या है, लोग
स्पेसिफिक होते हैं कि मुझे यही चीज़ खरीदनी है, बट इफ़ दे गेट अ बेटर ऑप्शन सो दे विल स्विच फ्रॉम योर प्रोडक्ट. सो यू नीड टू कीप ऑन कम्युनिकेटिंग कि वी आर हैविंग द बेस्ट प्रोडक्ट विच विल फुलफिल योर नीड. परचेजेस इनके बहुत इनफ्रीक्वेंट होते हैं, लोगों के पास समय होता है, सो दे कैन गो फॉर कंपैरिजंस. तो आपके मार्केट में न्यूज़ और इन्फॉर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए आपके प्रोडक्ट्स के, सो दैट पीपल कैन ईजली कंपेयर विद अदर प्रोडक्ट्स एंड दे कैन गो फॉर यूज. स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स पे आते हैं थर्ड. भाई स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत इनफ्रीक्वेंटली खरीदे जाते हैं, रेगुलरली नहीं बाय किए जाते हैं एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो इनके ऊपर क्या करेगा आदमी? बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करेगा. दे विल ऑलवेज गो फॉर एक्सटेंसिव रिसर्च. यहां पर बहुत यूनिक ब्रांड से हम चीजें खरीदेंगे. अगर मैं बहुत महंगी कार खरीद रहा हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट फ्रॉम अ पर्सन और अ कंपनी हु इज नॉट रिनाउंड. तो आई विल गो फॉर रोल्स रॉयस, आई विल गो फॉर फेरारी, आई विल गो फॉर बीएमडब्ल्यू. तो दे आर यूजुअली वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर वेरी लिमिटेड. इनके शोरूम्स भी आपको हर जगह नहीं मिलेंगे. If I want to go for a heart surgery, so naturally I'll go to a specialist who is very much specialized in his work or with a very good brand of hospital. They are very expensive. Aadmi isme bahut paisa lagata hai. Maybe it takes risk also. To yahan par comparative study bahut achhi hoti hai. So we have to be very conscious when we are selling specialty products. क्योंकि यहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं. इफ़ आई एम हैविंग अ ब्रांड विद स्पेशलिटी सो आई नीड टू फोकस ऑन इट्स ब्रांड वैल्यू. नाउ लास्ट कम द अनसॉर्ट गुड्स. अनसॉर्ट गुड्स कौन से? अनसॉर्ट गुड्स वो हैं जो कि बहुत रेयर हैं. अनसॉर्ट गुड्स मैंने आपको जैसे बताया था अभी कि ये वो गुड्स हैं जो कि मान लीजिए किसी टेनिस प्लेयर ने कहा कि मैं अपने राइट हैंड का इंश्योरेंस कराऊंगा बिकॉज ये यूज टू कंटिन्यूसली प्ले टेनिस. तो दैट इज रेयर. हर आदमी नहीं कराता. हर आदमी के फिजिक की वो वैल्यू नहीं है. किसी आदमी ने कहा कि मुझे क्रिमेशन इंश्योरेंस कराना है, मे बी मेरे मरने के बाद मुझे उस पैसे की जरूरत पड़ी. तो दैट इज वेरी रेयर और ये बहुत इनफ्रीक्वेंट होते हैं और इनकी यूनिट्स और इनके सेलर्स भी बहुत कम होते हैं. सो दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट आर वेरी रेयर एंड यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत होती है. यू नीड टू पिच देम कि भाई मैं ये चीज़ें बेच रहा हूँ. यू नीड टू केटर देम वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड. सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर देयर. ये चार तरीके के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास. कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स. कन्वीनियंस जो हम रोज खरीद रहे हैं, शॉपिंग जो हम बहुत कम फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं, लेस फ्रीक्वेंट परचेजेस होते हैं इसके, टेलीविजन्स, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम्स जो कि हम रोज नहीं खरीदते. देन स्पेशलिटी मीन्स समथिंग वेरी एक्सपेंसिव विच आई एम गोइंग टू वॉन्ट बाय. एंड अनसॉर्ट जो आर दे आर वेरी रेयर, बहुत कम खरीदे जाते हैं और दे आर परचेज बाई वेरी फ्यू पीपल. सो द पीपल नीड टू बी इन्फॉर्म बाय इट दैट वी आर हैविंग दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. नाउ कम टू द थिंग्स विच आर ऑफन मोर रिक्वायर्ड. अब Now, every product have a life cycle. अब product के types देख लिए, अब ये देखते हैं product अपने जीवन में क्या क्या करता है. What does he go through in his entire life? So, this is a graph which can show you the product life cycle. अगर मैं पहले को देखूं, I have taken Colgate over here. मैंने यहाँ पे Colgate को लिया हुआ है as a case study. Why I have taken Colgate? That I'll explain you. अगर आप इस पिक्चर को देखो, this picture of Colgate, that was used previously. पहले इस तरीके के Colgate के पैकेट्स आया करते थे. आज की डेट में क्या होता है? Colgate के इस तरीके के पैकेट्स आते हैं. तो I'll make you clear, this product one, is very much different from the product two. ये दोनों अलग अलग products. एक product नहीं है. Brand name is same, but the product changes. देखिए क्या होता है. इंट्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा है. पहले फेज को देखते हैं. इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है? टाइम ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है. हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सो वी आर इनकरिंग मोर अमाउंट ऑफ मनी, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिटर्न क्योंकि अभी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. तो पहला फेज क्या है? इंट्रोडक्शन फेज है, वेयर द इन्वेस्टमेंट्स आर मोर बट द रिटर्न्स और द सेल इज नॉट इनटू दैट कंपैरिजन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विद द टाइम फ्रेम
हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है लेकिन हमारी सेल उतनी नहीं है। नैन द सेकेंड स्टेज केम, जिसे हम कह रहे हैं ग्रोथ। ये क्या है, यहाँ पर बहुत ही स्टीप ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत कम टाइम फ्रेम में बहुत तेजी से सेल इंक्रीज हुई। फ्रॉम हेयर टू हेयर द सेल हैज इंक्रीज्ड, इतना चेंज हमको ग्रोथ में देखने को मिला। दिस मच ऑफ चेंज कैन बी सीन इन ग्रोथ। यहाँ पे क्या हुआ, पीपल हैव एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट, दे आर रेडी टू बाय इट एंड नाउ दे आर कंज्यूमिंग इट वेरी फ्रीक्वेंटली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। अब हम इन्वेस्ट कम करेंगे बट हमें रिटर्न ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे इन टू दैट कंपेरिजन। नाउ कम्स द मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी पे क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक बैलेंस डेवलपमेंट होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। हम एक पीक पे पहुंच चुके होते हैं, एक हाइट पे पहुंच चुके होते हैं अपनी सेल की, हम एक बड़ा वॉल्यूम सेल कर रहे होते हैं मार्केट में। एंड दिस स्टेज एवरी कंट्री एवरी कंपनी वॉन्ट दिस स्टेज टू बी एक्सटेंडेड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है, हम वॉल्यूम पर प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज द मैच्योरिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। एंड अब जब ये मैच्योरिटी नेचुरली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्रोडक्ट लाइफ विल चेंज एंड इट विल गो टू डिक्लाइन। अब वो डिक्लाइन की तरफ बढ़ेगा, तो जब वो डिक्लाइन की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, हम थोड़ा सा और उसे एक्सटेंड कर सकते हैं मैच्योरिटी पे बाय प्रमोशंस, बाय परसुएशंस, बाय ब्रांड लॉयलिटी, बट दैट वोंट वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हम मैच्योरिटी को एक्सटेंड करते हैं क्योंकि हम डिक्लाइन को रोक नहीं सकते। एंड देन फाइनली द प्रोडक्ट डिक्लाइंस। अब यहाँ पे हम कॉस्ट खर्च भी करेंगे तब भी क्या होगा, सेल कम होती चली जाएगी। नाउ हियर द टाइम कम्स कि अब हम अपने प्रोडक्ट में चेंज करें। नाउ वी हैव टू चेंज द प्रोडक्ट। तो अब हम प्रोडक्ट के फीचर्स को चेंज करना शुरू करते हैं और फिर से उसको लॉन्च करते हैं। बट कीप इन माइंड, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल डिक्लाइन पे ही खत्म हो जाती है जब द मोमेंट वी हैव चेंज द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट और द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ इट इज अ न्यू प्रोडक्ट, तो अब उसकी लाइफ साइकिल फिर से इंट्रोडक्शन से शुरू होती है एंड इट गेन्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन से होके गुजरती है। इंट्रोडक्शन में कॉस्ट ज़्यादा और सेल कम, ग्रोथ में कॉस्ट कम होती जाती है और सेल इंक्रीज होती जाती है, मैच्योरिटी में हम कॉस्ट बहुत कम खर्च करते हैं बट वी हैव अ वेरी गुड लेवल ऑफ सेल, एंड द डिक्लाइन अब हम कुछ चीज़ें और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं बट वी वोंट गेट दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स। एंड नाउ द टाइम कम्स, हमने जैसे पहले कहा कि हम प्रोडक्ट में चेंजेस करना शुरू करते हैं। तो अब आपको मेरी ये दो पिक्चर्स समझ में आएंगी, ये कॉलगेट, इस कॉलगेट की लाइफ साइकिल खत्म हो गई थी और फिर इस कॉलगेट ने उसकी जगह ली और एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। तो कॉलगेट टूथ पाउडर बिकम द कॉलगेट टूथ पेस्ट, देन कॉलगेट टूथ पेस्ट बिकम द गागल लिक्विड माउथ वॉश। सो वी हैव कम विद न्यू प्रोडक्ट्स, बट पहले की लाइफ साइकिल वहीं खत्म हो गई जहां पर डिक्लाइन फेज आ गया उसका और एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा कंपनी को। सो दिस वॉज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हाउ डज अ प्रोडक्ट रिएक्ट थ्रू एंटायर इज लाइफ साइकिल। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ द कंज्यूमर डिफरेंशिएट्स द प्रोडक्ट। सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि हमें किन चीज़ों को डिफरेंशिएट कर रहा है, किन चीज़ों पे कंज्यूमर डिफरेंशिएट कर रहा है, कैसे वो डिस्टिंग्विश करेगा मार्केट ऑफरिंग्स को। वी हैव टू कीप इन माइंड, उन्हीं चीज़ों पे हमें पॉइंट आउट करना है। तो देखते हैं किन किन चीज़ों पे करता है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अगर प्रोडक्ट है गुड की बात करते हैं तो क्या होगा, फीचर्स, वारंटी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, इन चीज़ों पे वो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेगा। द प्रोडक्ट विल बी डिफरेंशिएट ऑन द फीचर्स। जैसे मान लीजिए कि आप बाय अ सेलफोन, अब उस सेलफोन की कॉल कह लीजिए कि म्यूजिक कैसा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है, बैटरी बैकअप कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ वारंटी द कंपनी इज गिविंग, एक साल की वारंटी दे रही है, दो साल की वारंटी दे रही है, तो प्रोडक्ट को हम उस पर डिफरेंशिएट करेंगे। अब सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है कि अगर मुझे कोई सर्विस चाहिए, मान लीजिए मुझे एक वोडाफोन का कनेक्शन चाहिए, तो अब क्या होगा, हाउ कैन ईजली आई ऑब्टेन दैट प्रोडक्ट एंड हाउ मच कस्टमर इज मेड अवेयर
तो दोनों चीज़ें मुझे कंज्यूमर को प्रोडक्ट टाइम से देना है, वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड बाय देम, इट शुड बी इजली प्रोवाइडेड टू देम, एंड द कस्टमर मस्ट बी अवेयर कि वॉट आर द थिंग्स विच विल बी ऑपरेटेड विद द प्रोडक्ट। तो वहाँ पर हम सर्विसेज की बात करेंगे कि भाई ईजी अवेलेबल हो, बैंक जाना हो तो मैं ईजिली अपने ट्रांजेक्शन्स को कर सकूँ, मुझे पता होना चाहिए वॉट आर द स्टेप्स आई नीड टू फॉलो, सो द सर्विसेज विल बी चेकड इन दैट। आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप क्या चाहते हो, ऑर्डर प्रॉम्प्टली आपके पास आए, एंड यू शुड बी अवेयर कि हाउ यू हैव टू ऑर्डर द थिंग्स, वॉट आर द हायरार्की विच इज टू बी फॉलो। ओके, सो नाउ द चैनल डिफरेंशिएशन, सपोज अब चैनल डिफरेंशिएशन, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हैं, कि भाई ट्रांसपोर्टेशन और इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इफ़ आई गो टू अ ट्रांसपोर्टर, इफ आई गो टू अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंपनी, तो वहां पे मैं क्या देखूंगा कि वो कितने बड़े एरिया को सर्व कर सकते हैं, हाउ दे यूज टू परफॉर्म, उनका एंड रिजल्ट कैसा आता है। सो मैं अगर मान लो मुझे अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराना है तो आई विल गो फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर जिसका कि एक्सपर्टीज हो उस काम में, ही मस्ट बी अवेयर अबाउट द मार्केट, ही कैन कवर द इंटायर मार्केट विच आई नीड, विच आई वॉन्ट देम टू डू। तो वो क्या होगा, चैनल डिफरेंशिएशन, अगर इस तरीके के बिजनेसेस हैं तो हम इस तरीके से करेंगे। देन रिलेशनशिप डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, अब रिलेशनशिप लगभग हर इंडस्ट्रीज में है, आइदर इट इज़ बैंकिंग और इंश्योरेंस और आईटी इंडस्ट्री, वट एवर द इंडस्ट्री इज देयर, और एफएमसीजी सेक्टर्स और रिटेल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम किसी शॉप पे जाते हैं या किसी बैंक में जाते हैं तो हम क्या चाहते हैं, दे शुड बी कर्टियस टू अस, दे शुड बी केपेबल ऑफ रिजॉल्विंग आर क्वेरीज, एंड दे मस्ट हैव अ क्रेडिट इन द मार्केट। तो हम रिलेशनशिप को इसी तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक बैंक मैनेजर शुड बी कॉम्पिटेंट टू हैंडल हिज कस्टमर्स, ही मस्ट बी कर्टियस, एंड देयर मस्ट बी अ क्रेडिटेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन इन ब्रांड। नाउ द रेपुटेशन डिफरेंशिएशन, आप अपनी रेपुटेशन को कैसे डिफरेंशिएट करता है कंज्यूमर। सपोज मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो अबाउट द प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूँगा, आई गो फॉर द एडवर्टीजमेंट्स पब्लिश्ड बाय दैट कंपनी, द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस मेड बाय दैट कंपनी थ्रू न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, टेलीविजन्स, रेडियोज, एंड देन आई विल परसीव कि वो कैसी कंपनी है। आई कैन नॉट गो टू द प्लांट ऑफ दैट कंपनी, आई कैन नॉट मीट द ओनर ऑफ द कंपनी, बट थ्रू दिस कम्युनिकेशन। सो वेन एवर वी हैव टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, we should be very good at advertisements, communications, whatever lines we are saying. जैसे आप कोई भी product देखते हो तो उसमें क्या होता है, they used to put some punch lines with them. जैसे आपका लिप्टन ताजा, तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने एक freshness को promote किया हुआ है उससे। Pulsar, a definitely male bike. उन्होंने क्या कहा, मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक पर्चे साथ में एक पंचलाइन लगा दी, इट इज अ मेल बाइक। तो इससे क्या होता है, व्हाट हैपेंड विद दीज थिंग्स, पीपल यूज टू परसीव कंटिन्यूअसली, सो द कम्युनिकेशन शुड बी वेरी गुड। हम उसमें सोशल भी हो सकते हैं, हम किसी सोशल कॉज को भी शो कर सकते हैं कभी कभी, कि आउट ऑफ द एंटायर सेल ऑफ आर कंपनी 1% इज गिवन टू द डिप्राइव्ड किड्स। तो ये लोगों के साथ क्या होता है, एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है, एंड पीपल यूज टू बाय दोज प्रोडक्ट्स। सो वी नीड टू बी वेरी गुड एट रेप्यूटेशन डिफरेंशिएशन, हमें अपने ब्रांड को एक डिफरेंशिएटेड इमेज देनी। देन प्राइस डिफरेंशिएशन, लोग इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लास्ट बट इट इज़ आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमने कितना पे किया एंड वॉट वी आर गेटिंग इन रिटर्न, हाउ मच वी हैव पेड एंड वॉट वी हैव रिसीव्ड एज अ वैल्यू। सो बाय द सेगमेंट, अलग अलग कंज्यूमर्स के परसेप्शंस प्राइसेस को लेके अलग होते हैं, कुछ लोग हैं वो सस्ता खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग हैं वो महंगा खरीदना चाहते हैं, बट बोथ ऑफ देम विल कंपेयर वॉट दे हैव पेड एंड वॉट दे हैव रिसीव्ड। सो वॉट एवर प्राइस हम रखना चाहते हैं रख सकते हैं, बट दे शुड बी प्लेस्ड प्रॉपरली एंड इट शुड बी जस्टिफाइड। सो देर आर 6 टाइप्स बाय विच द थिंग्स कैन बी डिफरेंशिएटेड, डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट वारंटीज पे करेंगे, उनके परफॉर्मेंस पे करेंगे, सर्विसेज को उनके ईज ऑफ ऑर्डर पे, एंड द अवेयरनेस
दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर चैनल्स कवरेज एंड एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड एंड फॉर रिलेशनशिप कॉम्पिटेंस कर्टेसी एंड क्रेडिटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड एंड फॉर रेप्यूटेशन परसेप्शन एंड एडवर्टीजमेंट हमें करने होंगे एंड फॉर प्राइस लास्टली क्वान्टिटी और सेगमेंट और कस्टमर्स इन सब पे हमें ध्यान रखना. Now come to the next topic, product width, line and depth. अब ये क्या है? It sometimes confuses the people. अब देखिए यहाँ पे क्या है, product line and product width. Product line क्या है? पहले देखते हैं इसको और product width क्या है. अब देखिए प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या हुआ. सपोज आई एम सेलिंग सम प्रोडक्ट्स, सपोज आई एम सेलिंग पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एज पर द डायग्राम. हम यहाँ पे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जिसमें क्या है, सोप, शैम्पू, क्रीम, टूथपेस्ट. तो ये रोज खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं. तो ये क्या हो गई, एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, यानी जो कि डेली कंज्यूमेबल्स थे, सोप, क्रीम, टूथपेस्ट, शैम्पू, जो कि पर्सनल केयर पे काम आ रहे हैं, हम रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं. तो ये एक प्रोडक्ट लाइन हो गई एक कंपनी की. अब दूसरी प्रोडक्ट लाइन क्या हो गई उसी कंपनी की, मान लीजिए वो आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, टी, ये सारी चीजें बेच रही है. तो यहां पे क्या हो गया, एक दूसरी प्रोडक्ट लाइन हो गई उसी कंपनी की. समझ में आया? तो अब जब साइमल्टेनियसली ये प्रोडक्ट लाइंस मिलती हैं, एक प्रोडक्ट लाइन में हमने क्या किया, लाइफ केयर प्रोडक्ट्स और चॉकलेट्स एंड डेलिकेसीज, हमने एक चीज में डेजर्ट्स और ये सारी चीजें रख दी और एक में लाइफ केयर प्रोडक्ट्स रख दिए एंड दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन देम. तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट लाइन हो गए. अब इन सारे प्रोडक्ट्स लाइन को, अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बनती है, प्रोडक्ट विड्थ बन जाती है. समझ में आ रहा है, वो प्रोडक्ट विड्थ बन जाती है, यानी कितनी प्रोडक्ट लाइंस हैं. इफ आई हैव मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस तो वो प्रोडक्ट विड्थ हो जाएगी. समझ में आया? अब इसी प्रोडक्ट लाइन में, अब मैं वापस प्रोडक्ट लाइन पे आता हूं. तो प्रोडक्ट लाइन में आप यहां पे देखो, सोप्स में भी हमने क्या किया हुआ है, लक्स, डव, लाइफ बॉय, दीज आर सोल्ड बाय द कंपनी. तो ये क्या हो गई, प्रोडक्ट डेप्थ. ये प्रोडक्ट डेप्थ है, यानी अब फिर से एक बार कंसेप्ट को समझते हैं. प्रोडक्ट की लेंथ, यानी एक सेगमेंट में हमने कितने तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए, दैट इज लाइन. उस प्रोडक्ट में कितने वेरिएशंस हैं, लेकिन मैंने सोप बनाया, शैम्पू बनाया, क्रीम बनाई. अब सोप में कितने वेरिएशंस हैं, वो डेप्थ हैं. सोप, क्रीम, शैम्पू, ये क्या हो गए, लाइन हो गई. अब दूसरा एक सेगमेंट है हमारा जिसमें हम आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, टी, कॉफी, ये सब बेच रहे हैं. तो दो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन हो गई. तो अब अगर हम इन प्रोडक्ट लाइंस को एक साथ देखते हैं तो वो प्रोडक्ट विड्थ कहलाएगी, और अगर हम एक प्रोडक्ट के सेगमेंट को देखते हैं तो वो प्रोडक्ट लाइन कहलाएगी, और उस एक सेगमेंट में अगर हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के वेरिएशंस को देखते हैं तो वो प्रोडक्ट डेप्थ. Getting my point, what I am trying to say? So this was the concept of product width, line and depth. यानी हम अपनी कंपनी में प्रोडक्ट्स को कैसे सेग्रीगेट करेंगे. तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, डेफिनेशन, वॉट इज प्रोडक्ट, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, हाउ द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, एंड द प्रोडक्ट width, लाइन एंड डेप्थ. Here comes the product pricing. एक last topic और देखते हैं कि price कैसे करेंगे. अब मैं exact pricing की बात नहीं कर रहा हूँ, but what we have to keep in mind by pricing. Now first thing which we have to keep in mind, that is product cost. Product की cost कितनी होनी चाहिए. अब इससे कम price हम नहीं रख सकते. पहली चीज हमें ध्यान में रखना है कि हमारी floor price क्या होगी. मान लीजिए हम कोई चीज 10 रुपए में बना रहे हैं, तो अब इससे कम price तो नहीं रख सकते. दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, कॉम्पिटिटर्स एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या प्राइस ऑफर कर रहा है, गवर्नमेंट ने क्या रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि हम इससे ज्यादा नहीं बेच सकते, इससे ज्यादा प्राइस वेरिएशंस नहीं हो सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली वी विल बी हैविंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी. ऐसा ना हो कि हम
सपोज वाडीलाल इज सेलिंग आइसक्रीम फॉर 20 रुपीज एंड आई एम सेलिंग इट फॉर 50 रुपीज, नोबडी इज गोइंग टू बाई इट, बट आई एम मैन्युफैक्चरिंग दैट आइसक्रीम फॉर 15 रुपीज, तो अब उससे कम भी मैं नहीं रख सकता हूँ. सो द प्रोडक्ट कॉस्ट हैज टू बी कंसिडर्ड, देन द कॉम्पिटिटिव एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड देन फाइनली द कंज्यूमर परसेप्शन वैल्यूज. ये हाईएस्ट चीज है, इसके ऊपर भी नहीं जाना है. यानी अगर एक कंज्यूमर, मान लीजिए मुझे एक पेन खरीदना है एंड आई वॉन्ट टू बाय दैट पेन फॉर ₹50, अब उस ₹50 से ज्यादा अगर आप मुझे देना चाहोगे तो मैं उसे नहीं खरीदूंगा. सो द कंज्यूमर परसेप्शन शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड कि आई वॉन्ट टू बाय अ बिस्किट, तो वो बिस्किट मैं कितने में खरीद सकता हूँ. इफ आई गो फॉर अ नॉर्मल बिस्किट आई विल पे ₹10, इफ आई गो फॉर अ डार्क चॉकलेट बिस्किट सो आई विल पे फॉर ₹30 or ₹40 या ₹50. अब इससे ज्यादा मैं पे नहीं करना चाहता हूँ. सो आई हैव टू कीप इन माइंड, तो हमें क्या चीज देखना है, द प्रोडक्ट कॉस्ट, द एनवायरमेंट इन विच द प्रोडक्ट इज गोइंग टू रन, एंड द परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर. इन चीजों के बीच में हम क्या करेंगे, अपने प्राइस को फोकस करेंगे. गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमें प्राइस को कैसे फोकस करना है, सारी चीजों को ध्यान में रखना है, कॉस्ट को भी, एनवायरमेंट को भी, कॉम्पिटिटर्स को भी, और कंज्यूमर के परसेप्शन. सो दीज वेर द टॉपिक्स विच वी हैव टेकन टूडे रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स. इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. Thank you once again for watching Earth Anand, the product concept. Hope you will meet soon. Do contact for your doctor.